देखने में जितना मजेदार, खाने में उतना ही स्वादिष्ट, है ना? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुमीज रेसिपी एंड कोजी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम आपका स्वागत करते हैं एक नए रेसिपी के साथ, जो है लौकी की सब्जी। तो आज हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए, यहाँ पे हमने लौकी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसमें हमने लिया थोड़ी सी आलू, थोड़ी सी हरी मिर्च जो बीच में से हमने कट कर लिया है, और एक टमाटर। तो सब्जियों के हमें कर लेना है वॉश, और एक मछली की हेड को हमने इस तरह से बीच में से कट कर लिया, नमक और हल्दी लगा लिया है। तो आज की जो रेसिपी है वो हम इंडक्शन में करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे इंडक्शन को हमने ऑन कर लिया है और पैन भी उस पर चढ़ा दिया है। तो कढ़ाई को हम पहले गरम कर लेना है, फिर यहाँ पे हम थोड़ी सी एक टिप्स भी बताएंगे आपको इंडक्शन पे कुक करने के लिए, जो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो पर बना रहिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमें एक जो सूती का कपड़ा होता है उसको फोल्ड करके हमारा जो इंडक्शन की बॉटम है वो उस पर डाल देना है। देखिए, इस तरह से क्या होता है, इंडक्शन बहुत टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है और ये बहुत अच्छी तरह से काम भी करता है। तो इंडक्शन गर्म होने के बाद हमने जो फिश रखा था मैरिनेट करके उसको हम कर लेंगे फ्राई। ऑयल भी हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया, तो ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। अब हम जो फिश हेड है वो उसको फ्राई कर लेंगे, ऑयल में डालकर अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए, पलट पलट कर हमको इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे। अच्छी तरह से इसको हमें फ्राई कर लेना है। तो मछली हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे। तो देखिए, बचा हुआ जो ऑयल है उसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा को थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 सेकंड बाद हम कटा हुआ जो लौकी और बाकी की सब्जी थी, हरी मिर्च, टमाटर और पोटैटो, उसको हम तेल में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे। चलाते हुए इस तरह से मिला लेंगे ऑयल के साथ, अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के बराबर नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ही डालिए, जितना आपकी सब्जी की क्वांटिटी है उस हिसाब से। तो हम नमक डालेंगे इसमें और फिर इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, फिर ढककर इसको छोड़ देंगे। कुछ ही मिनट के लिए हम इसको ढककर छोड़ देंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे। ढक्कन हटाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे करीबन 1 से 1.5 चम्मच के बराबर हल्दी। हल्दी को हम सब्जियों के साथ अच्छी तरह से इस तरह से चलाते हुए मिला लेंगे। फिर हम इसको ढककर छोड़ देंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। 3 से 4 मिनट बाद हम इसको ढक्कन हटा लेंगे। ढक्कन हटाकर हम एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, सब्जियों से हमारा पानी रिलीज होना शुरू हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें पानी ऐड करेंगे। जितनी क्वांटिटी में हमें पानी चाहिए तो उतनी क्वांटिटी में हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तब तक जो हमारा लौकी है वो भी गल जाएगा, आलू भी गल जाएगा और हमारा सब्जी भी लगभग तैयार हो चुका होगा। तो चलिए हम देखते हैं, मिलते हैं 4 से 5 मिनट के बाद। 4 से 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा लेंगे। ढक्कन हटा लेंगे, देखिए सब्जी में कितनी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। आप देख सकते हैं हमारा सब्जी भी लगभग गल चुका है। अब हम इसमें जो फ्राई किया हुआ मछली था वो हम ऐड कर देंगे। मछली को हम पलट देंगे। मछली को पलट कर थोड़ी सी बीच में से कट कर लेंगे, मतलब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से 2 से 3 हिस्सों में इस तरह से देखिए दबा कर अलग कर लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, कुकिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी हमें छौंका लगाना बाकी है। तो आप कहीं मत जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो अभी असली जो ट्रिक है वो यही है लौकी की सब्जी बनाने के लिए। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा घर पे।
तो देखिए दोबारा से हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है नॉन स्टिक के ऊपर, ओवन के ऊपर। तो कढ़ाई हमारा गरम होने के लिए छोड़ देते हैं। गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे राधुनी, इसे जंगली अजवाइन भी बोलते हैं। तो हमने बोला था ना कि सब्जियों के स्वाद बढ़ाने को, तो यही जो मसाले है ये बहुत अच्छा लगता है लौकी के साथ। इसे हिंदी में जंगली अजवाइन भी बोलते हैं, बंगाली में राधुनी बोलते हैं, बिहार की कुछ लोग भी राधुनी बोलते हैं। तो इसको छौंका लगाएंगे। इसको थोड़ी देर फ्राई होने के बाद हम जो सब्जी कुक करके छोड़ा था वो हम इसमें डाल देंगे, और इसमें अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए, करीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको और कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो करीब 5 से 6 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, यानी चीनी। करीबन 2 चम्मच के बराबर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो रेसिपी हमारा तैयार हो चुका है। अभी अगर आप चावल के साथ इसे खाना चाहते हैं तो मैं बोलूंगी कि इस स्टेज पर आप सब्जी को उतार लीजिए, बट अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो सब्जी को थोड़ी देर और कुक होने दीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी और गाढ़ा होने दीजिए। मैं रोटी के साथ सर्व करने वाली हूँ तो मैं थोड़ी सी इसको और पकाऊंगी। तो देखिए रेसिपी हमारा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी मजेदार रेसिपी पाने के लिए। और हाँ, आज का जो टिप है ना वो ये है, इंडक्शन पे जब भी आप कुक करें तो इंडक्शन को तुरंत स्विच ऑफ मत कीजिए। इंडक्शन का जो फैन है वो बंद होने के बाद ही, पहले बटन से बंद कीजिए, फिर फैन बंद होने के बाद ही इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड से इंडक्शन का कॉर्ड खोले या फिर बंद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।